नमस्कार, गुना में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। अपराध जगत की काली स्याह खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपको सजग, सचेत और सावधान करने के लिए। कांग्रेस नेता ब्रजेश पांडे और कारोबारी निखिल प्रियदर्शी पर लगे यौन उत्पीड़न के मामलों में एडीजी ने निखिल को दोषी ठहराया। उसके बाद निखिल की भाभी बचाव में उतर आई और उल्टा पीड़िता पर ही कई आरोप जड़ दिए। क्या कुछ रहा इस नए केस में नए मोड़, गुनाह की इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस नेता पर यौन शोषण आरोप मामले में एडीजी सुनील कुमार का बयान, सीआईडी जांच में निखिल प्रियदर्शी दोषी, डीजीपी के बेटे का इस मामले से नहीं कोई संबंध। पटना में दलित नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में आरोपी निखिल प्रियदर्शी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए बिहार पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेजा ताकि निखिल प्रियदर्शी देश छोड़कर कहीं बाहर भाग न सके। इस मामले में अन्य आरोपी जिनमें कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे भी हैं, उनके खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले की जांच कर रही टीम को और सबूत इकट्ठा करने को कहा गया है। देश के बाहर निखिल प्रियदर्शी नहीं जाने पाए, इसलिए सीआईडी ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दिया है ताकि सभी अलर्ट्स इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर भी भेजे जा सके। गिरफ्तारी का प्रयास लगातार जारी है और वारंट के लिए भी प्रे किया गया है। जहां तक अन्य अभियुक्तों का प्रश्न है, संदेहियों का प्रश्न है, तो उसमें कृष्ण बिहारी प्रसाद सिन्हा, मनीष प्रियदर्शी, संजीत कुमार शर्मा एवं ब्रजेश पांडे के संबंध में छानबीन जारी है। साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और इसमें लगातार सीआईडी के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और आगे की कार्रवाई साक्ष्य पर निर्भर करेगा। वहीं हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले पर एडीजी सुनील कुमार का कहना है कि सीआईडी ने जांच के आधार पर निखिल प्रियदर्शी को दोषी पाया। निखिल प्रियदर्शी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है, बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। दोषी पाए जाने के बाद ही उन पर कार्रवाई होगी। इसका पर्यवेक्षण डीएसपी सीआईडी ने किया है और अब तक क्या जो अनुसंधान हुआ है और समीक्षा वरीय स्तर पर एडीजी सीआईडी के द्वारा भी की गई है, समीक्षोपरांत और जो अब तक लिए पर्यवेक्षण और अनुसंधान की स्थिति है, उससे अब तक के लिए विभिन्न धाराओं में, विशेषकर धारा 376, 323, 341, 342, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं निखिल प्रियदर्शी के विरुद्ध सत्य पाया है। वहीं इस केस में अभी तक डीजीपी के बेटे प्रतुष ठाकुर का कोई रोल नहीं है। पुलिस किसी के दबाव में नहीं है। मामले में जो भी जांच के दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। महानिदेशक महोदय के बेटे के द्वारा इस तरह का कोई साक्ष्य प्रोड्यूस नहीं हुआ है। इस मामले को हम लोगों ने देखा, लेकिन इस तरह का कोई साक्ष्य सामने अभी तक नहीं आया। इस केस में भी हम लोगों ने इस पहलू को भी देखा है और फिलहाल इस तरह का कोई दबाव प्रतीश ठाकुर के तरफ से पुलिस पर नहीं है। और हम लोग, जैसा कि हमने कहा कि अन्य बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें बड़े हस्तियों का नाम आया है और हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, इसलिए ये केस किसी के दबाव में नहीं है, न पुलिस दबाव में है और सीआईडी अपना काम इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से कर रही है। एडीजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद आरोपी निखिल की भाभी निखिल के बचाव में सामने आई हैं, जिन्होंने आरोप लगाने वाली लड़की पर कई आरोप लगाते हुए निखिल का बचाव किया है। ये पूरा मामला
जो कि अपने आप को बिहार की पीड़िता दामिनी निर्भया बना रही है, बता रही है, ये पूरा मामला झूठा बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है। असल में ये मामला है ज़मीन को हथियाने का, एक्सटॉर्शन का। सामने से ये लड़की कौन है, लड़की के पिता अगर मंत्री हैं तो किसी आम आदमी की क्या हैसियत कि किसी मंत्री की लड़की के साथ ऐसा करे। सरकार ने या पुलिस ने हमारा सहयोग नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लड़की के पक्ष की बात सुनी, दूसरे परिवार के पक्ष की बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहली बात, लड़की जो कहती है कि ये माइनर है, हमारे पास इसका मेडिकल रिपोर्ट है जो पुलिस ने कराया है और उस मेडिकल रिपोर्ट में इसकी उम्र 19 से 20 साल आती है, अर्थात ये माइनर है नहीं। दूसरी बात, चोटें वगैरह दिखाना, ये सब मेडिकल रिपोर्ट के समय कुछ भी नहीं था। चोटें तो आदमी कभी भी किसी वक्त लगा सकता है। ये पूरा केस पैसा ऐंठने का है। बता दें कि खुद को दलित नाबालिग बताने वाली की लड़की ने बिजनेसमैन निखिल प्रियदर्शी और कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद ब्रजेश पांडे को पद से इस्तीफा देना पड़ा। गुना के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी, उसके बाद सड़क पर हंगामा हो गया। क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, गुना की ये रिपोर्ट। रांची पुलिस के स्लोगन सेवा ही लक्ष्य पर अब सवाल उठ रहे हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एल्का चौक पर लहूलुहान इस शख्स को देखिए। आरोप है कि ये पुलिस की गुंडागर्दी का नतीजा है। खून से लथपथ ये शख्स पुलिस की बर्बरता की कहानी बयां कर रहा है। दरअसल इस युवक की गलती बस इतनी थी, इसने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पुलिस ने इस पर डंडे बरसाए और युवक को बुरी तरीके से घायल कर दिया। कैसे खून आ रहा है? हम सब कर रहे हैं। जांच के लिए रोका था, हम साइड उधर साइड पे, वहाँ पे बीच में कैसे रोकते गाड़ी? इस मामले को लेकर यहां लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से अल्बर्ट चौक घंटों जाम रहा। दरअसल ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है और इसी दौरान पुलिस ने युवक को पीट दिया। वहीं मामले पर कोतवाली थाना इंस्पेक्टर ने पहुंचकर दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ, फिर पुलिस ने युवक को इलाज के लिए भिजवा दिया। बहरहाल राजधानी रांची में यातायात समस्या के समाधान से ज्यादा जुर्माना वसूलने में यातायात पुलिस लगी हुई है, चाहे सड़क पर गाड़ियां रेंगती ही क्यों न रहीं। रांची से कमल कुमार, न्यूज इंडिया। बेगूसराय में एक छात्रा पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया। बुरी तरह से जख्मी छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला पुलिस की चौखट तक पहुंचा, कार्रवाई लगातार चल रही है। पूरा मामला गुना की इस रिपोर्ट में देखिए। बेगूसराय में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस अपराधियों के सामने बौनी नजर आ रही है। अपराधी दिन दहाड़े किसी भी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ तफ्तीश तक सीमित रह जाती है। बेगूसराय में दिन दहाड़े अपराधियों ने कुछ छात्रा को चाकुओं से गोद कर घायल कर दिया। दिन दहाड़े छात्रा पर हमला, अपराधियों ने छात्रा पर चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में कराया भर्ती। अपराधियों का पुलिस नहीं लगा पाई कोई सुराग। बेगूसराय में दिन दहाड़े की छात्रा पर अज्ञात अपराधियों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में छात्रा की गर्दन कट गई, जिससे वो गंभीर तौर से घायल हुई है। घायल छात्रा सुनीता कुमारी बुधवार की सुबह करीब 10 बजे नगर थाना इलाके के सर्वोदय नगर में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तभी उस पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। सुनीता मुंगेरीगंज की रहने वाली और बीए पार्ट 2 की छात्रा है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का या जोर जबरदस्ती का हो सकता है। क्या लड़की कोचिंग जा रही थी, क्या छात्रा थी? हाँ, बोला कोचिंग जा रही है, मुंगेरीगंज के रहने वाली है, महिला कॉलेज में पढ़ती है, कोचिंग जा रही है। क्या पता मामला पता चला है कि किसने मारा, क्या मारा? अभी नहीं बोल रही लड़की, क्या लड़की नहीं बता रही।
फिलहाल वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया और न ही पुलिस के हाथ मामले में कोई सुराग लगे हैं। उधर छात्रा के बेहोश होने की वजह से पुलिस को मामले में कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं मिल पाई। फिलहाल पुलिस छात्रा के होश में आने का इंतजार कर रही थी ताकि मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। गुना के लिए बेगूसराय से धनंजय झा की रिपोर्ट। जमशेदपुर में एसीबी की टीम ने एक मुखिया और पंचायत सेवक को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कैसे हुई इन लोगों की गिरफ्तारी, पेश है एक खास रिपोर्ट। रिश्वत के दो रोगी गिरफ्तार। मुखिया और पंचायत सेवक रंगे हाथों पकड़े। ठेकेदार से 12,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। जमशेदपुर में एसीबी की टीम ने बहरागोड़ा के पातपुर पंचायत के पंचायत सेवक और मुखिया को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बहरागोड़ा के पातपुर पंचायत इलाके में ठेकेदार विश्वजीत नाले के निर्माण का काम कर रहा था। इस पर मुखिया दीनबंधु और पंचायत सेवक सोनाराम मुर्मू ने ठेकेदार से रिश्वत की मांग की थी, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि ये रिश्वत एक रोग बनकर उनके दामन पर कलंक लगा देगी। रिश्वत का दानव उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा और आखिर में थोड़े से लालच ने उन्हें फंसा ही दिया। ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो में की। एसीबी ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछाया और दोनों को 12,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ भी लिया। हम लोगों को सूचना मिली थी कि जो ये पाटपुर पंचायत है बहरागोड़ा में, वहाँ के मुखिया और पंचायत सेवक के द्वारा 14वीं वित्त आयोग के तहत जो कुछ योजनाएं होती हैं उसमें योजनाओं को निर्माण करने के लिए जिन अभिकर्ता को चुना गया था उस अभिकर्ता से उसके फाइनल पेमेंट के लिए घूस की मांग की जा रही थी, उस पर उन्होंने हमारे पास संपर्क किया और हम लोगों ने एक टीम का गठन किया। टीम के गठन के पश्चात आज ये सफलतापूर्वक रेड कंडक्ट किया गया जिसमें पंचायत सेवक और मुखिया दोनों को घूस लेते हुए 12,000 रुपया रंगे हाथ पकड़ा गया। रिश्वत के दोनों रोगी अब हवालात में हैं। जरूरत है ऐसे घूसखोरों को समाज से बाहर कर देने की, जो विकास में रुकावट तो बनते ही हैं, साथ ही भ्रष्टाचार भी फैलाते हैं। गुना के लिए जमशेदपुर से लला जबी की रिपोर्ट। सहरसा में 20 नवंबर 2016 को हुए सिंटू हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, कोई सुराग हाथ नहीं लगा और इस नाराजगी को लेकर अब सिंटू के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया। एक बार फिर से उन्हें कार्रवाई का भरोसा मिला है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। सिंटू सिंह हत्याकांड में परिजनों का आरोप, खुलेआम घूम रहे हैं हत्याकांड के आरोपी। 20 नवंबर 2016 को हुई थी सिंटू की हत्या। परिजनों ने एसपी कार्यालय पर दिया धरना। हत्या के कई मामलों का खुलासा हो जाता है तो कई मामले फाइलों में दफन हो जाते हैं। ऐसा एक मामला सहरसा में सामने आया जहां बेहरा थाना इलाके में 20 नवंबर 2016 को सिंटू सिंह नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एक आरोपी लल्टू यादव की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जबकि आरोपी अजय यादव समेत दो अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही मामले में कोई बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की इसी कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मृतक सिंटू सिंह के परिजनों ने एसपी कार्यालय पर धरना दिया। परिजनों ने बेहरा थाना प्रभारी पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। 20 नवंबर को बरवारी निवासी सिंटू सिंह की हत्या की बेहरा थाना अंतर्गत पेंदहा पोखर के पास हुई, जिसमें बेहरा थाना क्षेत्र में केस दर्ज है। इसमें एक अपराधी लल्टू यादव को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। तीन अजय यादव समेत दो अज्ञात अपराधी खुलेआम घूम रहा है। बेहरा थाना प्रभारी द्वारा कोई ठोस और उचित कार्रवाई नहीं की गई। कितना बार हम लोग फोन करके बताए उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है और तीन महीना बीत जाने के बाद अभी तक हत्या का खुलासा नहीं हुआ। अभी तक हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि हत्या क्यों की गई। इससे पहले एसपी साहब हम लोग एसपी साहब से मिले थे, जाम भी किए थे और एसपी साहब द्वारा डीएसपी साहब थे परिवार में, एसपी साहब के परिवार में एक महीने का आश्वासन दिया गया था। ये इस आश्वासन का भी दो महीना बीत चुका है। पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद डीएसपी रश्मि कुमारी ने मृतक के परिजनों को जांच का भरोसा देकर इंसाफ की उम्मीद जगाई।
आपको पता चला? बीरा थाना कांड संख्या 176/16 में एक युवक की हत्या हो गई थी, उसमें एक नेम्ड एक्यूज थे और बाकी बाद में तीन और प्राथमिक अभियुक्त बनाए गए थे, तो उसमें से एक को गिरफ्तार करके भेजा गया है जेल और अन्य दो के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। उसमें इनका मामले जो भीरा थाना अध्यक्ष के खिलाफ इनकी शिकायत है कि उनको निलंबित किया जाए, तो मैंने उनसे आश्वासन दिया है कि इसके संबंध में आप लोग आवेदन दीजिए और उसकी जाँच करवाई जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाई? क्यों पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं और क्यों आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं? देखना होगा कि क्या इस बार भी पुलिस का भरोसा सिर्फ कोरा भरोसा होगा या कोई कार्रवाई भी की जाएगी। गुना के लिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। धनबाद पुलिस ने बाइक चोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 शातिर बाइक चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया। किस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है गुना की इस रिपोर्ट में देखिए। 5 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। मास्टर चाबी समेत चोरी की 4 बाइकें बरामद। बाइक चोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धनबाद में बाइक चोरों पर नकेल कसने की कोशिश ने पुलिस को एक और सफलता दिलाई है। शहर में बाइक चोरों के सफाये के लिए पुलिस ने गुप्त रूप से कई थाना इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 5 बाइक चोरों को 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ पेशेवर शातिर बाइक चोर चोरी की बाइक के साथ कई इलाकों में मौजूद हैं। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धनबाद से 2, जामताड़ा से 2 और टुंडी से 1 बाइक चोर को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। 5 में से 4 अपराधी जामताड़ा के हैं और 1 धनबाद का है। जो बाइक चोरों के पीछे कोशिश कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके इन सब पे रोकथाम की जाए, लगाम लगाई जाए। इससे पूर्व में भी एक दर्जन के आसपास बाइक चोरों को हमने भेजा है, तो उसी बीच में हमें कुछ गुप्त सूचना मिली थी जिसके द्वारा हमने टोटल 5 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया है। ये सभी बाइक चोर पेशेवर और शातिर हैं। इनके पास एक मास्टर की भी मिली है। इनकी निशानदेही पे 4 बाइक्स भी मिली हैं। टोटल 5 आदमियों को हमने पकड़ा है। इसमें से 4 व्यक्ति जो हैं ये जामताड़ा के हैं। इसमें से 2 की गिरफ्तारी धनबाद से हुई है, 2 की गिरफ्तारी जामताड़ा से हुई है, 1 की गिरफ्तारी जो है टुंडी से हुई है। अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही बाइक चोरों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। पुलिस इस छापेमारी को बड़ी कामयाबी मान रही है। गुना के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में लूट कर फरार हो रहे एक अपराधी को लोगों ने दबोच लिया, जमकर उसकी धुनाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरा मामला गुना की इस रिपोर्ट में देखिए। व्यापारी के कर्मचारी से 20,000 की लूट। बाइक सवार 3 अपराधियों ने की लूट। एक लुटेरे को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फरार दोनों अपराधियों की पहचान का पुलिस ने किया दावा। पुलिस के साथ साथ अगर जनता भी जागरूक हो तो मजाल है अपराधियों की, जो शहर में अपराध की परछाई भी दिख जाए। मुजफ्फरपुर में नागरिकों की मुस्तैदी से एक लुटेरा सलाखों के पीछे पहुंच गया। मामला मुजफ्फरपुर के नहर थाना इलाके के सूतापट्टी का है, जहां एक कपड़ा व्यवसायी का कर्मचारी 20,000 रुपए HDFC बैंक में जमा कराने जा रहा था। तभी 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर उससे रुपयों की लूट कर ली और भागने लगे, लेकिन आसपास के लोगों ने भागते हुए अपराधियों को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान एक अपराधी बाइक से गिर गया। उसे लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। तो दुकान से निकले, अब दुकान के मुंह पर गली में आके दोनों बैठा हुआ था, बैठ के अब एक मोटरसाइकिल स्टार्ट किए हुए पैसा हाथ में छपोटा है, छपोट के मतलब मोटरसाइकिल में दोनों बैठा है और बस भाग चला गया। पीछे से दौड़े हैं, दौड़ के मोटरसाइकिल से गिर गया आगे जाके।
बस वहाँ पर गिरा, बस पावली से पकड़ लिया, बस हमने उसको पकड़े हैं, पकड़ के बस पिस्टल उसका क्या बात है, पिस्टल निकाल के फिरा दिया था, पैसा उसको हम दिए, पैसा नहीं दे रहा था, बस पीछे से निकाला, बोला कि दोनों तो माथे ठोक देंगे, बोल पैसा दिए हैं देने के बाद में, बस कहाँ जा रहे थे पैसा जमा करने, कहाँ जा रहे थे, जैसे उधर किधर भागा वो सब लेके पैसा, मतलब वही बस भाई जलपान वाला मोड़ पर बस जाके गिरा है। और कितना लोग था वो सब, तीन आदमी था ये सब, ये चला रहा था और दो बैठे हुए थे, पैसा जो छीना से मतलब बैठे हुए, पैसा लेके भाग गया, 20,000 लेके भागा। वहीं पुलिस का दावा है कि दोनों फरार अपराधियों की भी पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 20,000 रुपए का लूट हुआ है, एक अपराधी पकड़ा भी गया और इनके साथियों की पहचान की गई, इस आधार पर हमारी टीम निकल भी चुकी है और इसके अलावा जिनका पैसा लुटाया है उनके कुछ और भी अनदर इशू है, इस पर भी हम लोग देख रहे हैं, खास करके लाइनर की भूमिका को, इस स्तर पर हम लोग जांच कर रहे हैं। सर पहले लाखों की लूट की बात सामने आई थी, क्या नहीं, वो कन्फ्यूजन था, जो स्टाफ निकला था उसको लग रहा था कि वो पैसा कहीं और रखा था, अरे कहा लूट भी तो घबरा थे उस और बोलती है, लेकिन जब वो चेक किया तो फिर बताया कि 20,000 रकम थी, 100 के दो दो नोट थे, 20,000 ही। क्या सर लगता है नगर थाना में दो दो दिवस की गाड़ी है और इस तरह घटना करके अपराधी चुनौती दे रहे हैं और आम लोगों को हाथ में लेना पड़ रहा है कानून, ये पेट्रोलिंग लगभग निकली थी और इस स्तर पर यदि थाना लेवल कुछ लापरवाही की गई तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आप लोग को ये ध्यान में है कि खास करके टाउन एरिया में पुलिस काफ़ी सजग है और मुझे लगता है कि घटना हुई है वो काफ़ी दिनों के बाद यह घटना हुई, लेकिन फिर भी यदि ये चुनौती हम लोग इस पर भी कार्रवाई। लोगों की मुस्तैदी और बहादुरी के चलते एक अपराधी गिरफ्त में आ गया, जिससे पूछताछ के आधार पर अन्य अपराधियों की पहचान हो गई है। देखना होगा कि पुलिस कब तक अपने दावे पर खरी उतरती है और फरार अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। गुनाह के लिए मुजफ्फरपुर से राजीव रंजन की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया, साथ ही साथ उसका एक साथी भी पुलिस के शिकंजे में बैठ गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इस शख्स ने बाइक चोरी और कार चोरी करने के बाद अकूत संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। पूरा मामला, पूरी वारदात इस गुनाह की रिपोर्ट में। पुलिस के हत्थे चढ़े दो वाहन चोर। वाहन चोर गिरोह का सरगना भी गिरफ्तार। चोरी की बोलेरो गाड़ी बरामद। पुलिस अपराधियों से कर रही है पूछताछ। रांची पुलिस को वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बुधवार को चोरी की बोलेरो के साथ दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हटिया एएसपी के मुताबिक रांची के अरगोड़ा थाने में बोलेरो चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। चोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी करने लगी। आखिरकार मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। गिरोह के सरगना तरुण महतो ने पुलिस को बताया कि वाहन चोरी करने के बाद वो वाहनों को रामगढ़ में जाकर बेच देते थे। बीते 17 फरवरी को 17 फरवरी को अरगोड़ा चौक IDBI बैंक के पास से एक व्हाइट कलर की बोलेरो की चोरी हुई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है JH1AM01M1031। सूचना मिली कि इसके चोरी में तरुण महतो और उनके गैंग का हाथ है, तो गुप्त सूचना के आधार पर कल की रात को छापेमारी की गई, जिससे तरुण महतो को पकड़ा गया। इनके निशानदेही पर ही आपके ये दिलीप साहू जो बुड़मू के रहने वाले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और बोलेरो इनका कहना था कि रामगढ़ में एक गैरेज में था, अमन खान के गैरेज में, तो वहाँ से बोलेरो की भी बरामदगी हुई है। और ये जो दोनों हैं ये पहले भी 4 मरतबा जेल जा चुके हैं और इन पे पहले भी 22 केसेस में रिमांड पे ऑलरेडी हैं, और अभी इन्होंने कन्फेस किया है कि 11 अलग अलग जगहों से इन्होंने चोरी की है। चोर गिरोह के सरगना ने चोरी के वाहनों को बेचकर और पार्ट्स बेचकर कई ट्रक भी खरीदे। चोरों के पास से चोरी की बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई। कई कार और कई बाइकों के चोरी के मामले में पुलिस को इनकी तलाश थी। पुरानी गाड़ियों को टारगेट करता है, जो कि जैसा इनका बताना है कि किसी भी चाबी से हम उसको खोल लेते हैं। इन लोगों के पास वो हुनर है कि पुरानी गाड़ियों को ये किसी भी चाबी से खोल लेंगे और खोल के ले जाते हैं किसी सुनसान जगह में या गैरेज में लगा दिए, और उसके बाद ये लोग ग्राहक खोजते हैं। अगर ये प्रीपेड ग्राहक मिल गया,
अमाउंट इनको मिल गया तो उसको बेच देते हैं, अदरवाइज उसको गैरेज में कटवा करके उसके पार्ट्स को बेच देते हैं। इस चोर गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी से चोरी के कई मामलों से पर्दा उठने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। गुना के लिए रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। ये तमाम वो मामले थे जो अपराध जगत की सुर्खियां बने। इस कार्यक्रम का मकसद है कि आप रहें सावधान और सुरक्षित। गुना में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।